Hello, in this video we will discuss types of printer. In the previous three videos we have covered input and output devices. Types of printer. There are two types of printer, impact printer and non-impact printer. Impact printer strike ribbon and paper together to form a character. They are oldest and noisy printers. Here are some of the types of impact printer. We will discuss one by one in next two videos. Non-impact printers. Non-impact printers use electrostatic chemicals and inkjet technology. They produce high quality documents and they are widely used. There are three types of non-impact printer: inkjet, laser, thermal. We will also discuss these in the next slide. First one is dot matrix printer. It is an impact printer. Dot matrix forms character using rows of pins which impact the ribbon on top of the paper. They print one character at a time and print characters and images as a pattern of dots. Most of the dot matrix printers are bidirectional. Like एक साइड से एक लाइन प्रिंट होती जाएगी एक एक कैरेक्टर करके तो दूसरी साइड से दूसरी जब वो खत्म हो जाएगी तो पेपर ऐसे आएगा तो वो प्रिंट होती आएगी. These printers are very slow. They are very slow because they print one character at a time and they are noisy. Okay, now we'll see next one. Second is daisy wheel printer. The daisy wheel is a disc which is made up of plastic or metal. जिसके ऊपर जो characters हैं वो formed होते हैं petals की तरह. Like जैसे typewriters की keys होती हैं. किसी भी एक character को print करने के लिए जो printer है वो disc को rotate करेगा. जब जो कैरेक्टर प्रिंट होना होगा वो लेटर वहाँ पे आ जाएगा पेपर के पास तो हैमर डिस्क को मारेगा और जो डिस्क है उस पर जो कैरेक्टर है वो इंक रिबन पे लगेगा और पेपर पे प्रिंट हो जाएगा. ये वाले जो प्रिंटर्स हैं ये थोड़ी हाई रेजोल्यूशन आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं देन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एंड ये थोड़े रिलायबल से ज़्यादा होते हैं. ड्रम प्रिंटर. एक्चुअली ड्रम प्रिंटर एंड द चेन प्रिंटर विच वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड are the line printers. Drum printer is a line printer which has printed characteristics imprinted on a physical drum that rolled around an impacted paper in several ways. When the desired character for the selected position rotated around the hammer line, the hammer hit the paper from behind to create text on the image. इसमें क्या होता है एक ड्रम के ऊपर सारे कैरेक्टर्स होते हैं लाइक प्रिंटेड कैरेक्टर्स होते हैं. जब भी कोई कैरेक्टर प्रिंट होना होता है तो वो पता चल जाता है तो हैमर उस टाइम पे क्या करता है उस कैरेक्टर पे पीछे से मारता है वो कैरेक्टर पेपर पे जाके लगता है और पेपर पे टेक्स्ट आ जाता है. चेन प्रिंटर होते हैं वो भी लाइन प्रिंटर होते हैं जिसमें जो चेन होती है उसके ऊपर कैरेक्टर्स होते हैं. इसमें क्या होता है जो कैरेक्टर्स की वैल्यू होती है वो प्रिंटर बफर के अंदर स्टोर होती है. जब भी कोई कैरेक्टर को प्रिंट होना होता है जो प्रिंटर है वो इन्फॉर्मेशन भेज देता है प्रिंटर बफर को. फिर जो चेन होती है वो रोटेट करती है और जो वो कोड मैच होता है लाइक जो वहाँ पे होता है वो बफर से मैच हो जाता है कैरेक्टर प्रिंट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ हैमर. उस पर हैमर लगता है तो वो कैरेक्टर वहाँ प्रिंट हो जाता है. ओके नाउ वी विल डिस्कस नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स. दीज आर लिटल बिट कॉस्टलियर देन देम एंड दे हैव हाई क्वालिटी आउटपुट. फर्स्ट वन इज इंकजेट प्रिंटर. इंकजेट प्रिंटर क्या करता है छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स हैं इंक की वो पेपर पे डाल देते हैं जिससे इमेज फॉर्म हो जाती है. दे प्रिंट हाई क्वालिटी टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स देन द इम्पैक्ट प्रिंटर्स. इन द इंकजेट प्रिंटिंग मैकेनिज्म इसमें क्या होता है जो प्रिंट हेड होता है उसमें बहुत सारे नोजल्स होते हैं छोटे छोटे जेट्स होते हैं. जैसे ही पेपर वहाँ पे आता है हेड के पास तो नोजल स्प्रे करता है इंक पेपर के ऊपर जिससे कैरेक्टर या इमेजेस बन जाते हैं. ये अफोर्डेबल होते हैं मतलब लाइक वी कैन ईजीली बाय देम फॉर द पर्सनल यूज़ घर वगैरह में ईजीली लोग इन्हें यूज़ कर लेते हैं. नाउ लेज़र प्रिंटर. लेज़र प्रिंटर प्रोवाइड करते हैं हाईएस्ट क्वालिटी टेक्स्ट एंड इमेजेस फॉर पर्सनल यूज़. ये लेज़र बीम यूज़ करते हैं ऑन फोटो सेंसिटिव सर्फेस के ऊपर प्रिंटिंग के लिए. और एक चीज़ और जो मेन डिफरेंस होता है जो लेज़र प्रिंटर होते हैं ये टोनर यूज़ करते हैं प्रिंटिंग के लिए इंक को यूज़ नहीं करते. टोनर इन द सेंस वो कुछ पाउडर टाइप होता है तो ये उसके थ्रू प्रिंट करते हैं. इसमें भी ड्रम यूज़ होता है जो बहुत लेंदी हो जाएगा इसलिए हम उसको यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं. वो हम अगर एसओ वालों के लिए कुछ होगा तो उसमें वी विल डिस्कस इट. उसमें क्या होता है इंकजेट में इंक यूज़ होती है इसमें जो है टोनर यूज़ होता है और ये इंकजेट से भी हाई क्वालिटी वाला प्रिंटर होता है. लास्ट थर्मल प्रिंटर.
जो ये वाले प्रिंटर होते हैं ये हीट को यूज़ करते हैं किसी भी केमिकली ट्रीटेड पेपर के ऊपर ताकि कैरेक्टर फॉर्म हो जाए। एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इनमें जो इंक होती है वो इंक होती है थर्मल इंक, जो पेपर होता है वो होता है थर्मल पेपर। ठीक है, थर्मल प्रिंटिंग डज नॉट मेक यूज ऑफ इंक और टोनर, इंक और टोनर को यूज़ नहीं करते, बट लार्जली डिपेंड ऑन थर्मल पेपर्स फॉर प्रोड्यूसिंग द इमेजेस। जो ये थर्मल प्रिंटर होते हैं ये कहाँ पे यूज़ होते हैं, ATMs पे यूज़ होते हैं, पॉइंट ऑफ सेल पे यूज़ होते हैं, लाइक किसी स्टोर से इफ़ यू तुमने कुछ परचेज किया है तो तुम्हें जो वो अगर तुमने ATM से पे किया है तो यू विल गेट दैट स्लिप, प्रिंटेड स्लिप, जो इफ़ यू हैव नोटिस दैट जो टाइम के साथ थोड़ी फेड भी होती जाती है, तो ये वो वाले प्रिंटर्स होते हैं। जो फैक्स मशीन होती है वो भी थर्मल प्रिंटर का ये जैसा होता है। थैंक यू, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर क्वेश्चंस और इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू।